यहाँ पे लगाना, यहाँ पे लगाना, पूरा तोड़ दिया ना। ठीक है ठीक है, नमस्ते, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ से जा रहा हूँ घर की ओर, और काफी ज्यादा सुबह उठा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 4:30 हो रही है अभी, तो ब्रश ब्रश करते और टॉयलेट में भी आते हैं। फोटो ले ले, फोटो टॉयलेट टॉयलेट किधर है? बोलन तो बंद हो गया है, टॉयलेट पूरा बंद। ट्रेन में कंट्रोल नहीं हुआ, कभी मत आना। क्या है लोग सब, डाल दो डाल दो, फेसबुक पोस्ट कर दो। ये हालत है गाइस, ये हालत है। टॉयलेट इधर है, देन टॉयलेट में भी आदमी घुसा हुआ है। सो गाइस, देखा आपने कितना सारा गर्दी था अंदर, अभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्दी है। प्लस दो टॉयलेट था, दो टॉयलेट था, एक टॉयलेट में पूरा रिजर्व करके बैठा हुआ है। आपने देखा होगा व्लॉग में, वीडियो मैंने जो बनाया है। बैक टू द न्यू व्लॉग। Look at the crowd guys, and I will reach now. I don't know where this place, but I will reach some place, I don't know. Like this, so many people are here. सब है, सब आया अंबिकापुर से, क्या सबको दिखाओ यहाँ पे, खुद की भी शक्ल दिखाओ, बिकॉज तुम भी बैठी हो ना मेरी सीट में। हाँ ये भी बैठी है मेरी सीट में। देन मैंने सबको बैठने दिया, 1, 2, 3, 4, 5 लोगों को मैंने बैठने दिया गाइस। सो आज शाम तक सब लोग उतर जाएंगे, देन उसके बाद तो सीटी सीट पूरा खाली रहेगा। रात में बहुत अच्छे से सो गया था, और अभी दिन में कुछ इस तरह से यहाँ पे पेशेंट है गाइस। और मेरे पापा भी पेशेंट ही है एक्चुअली, उनसे वो ऊपर है। ये जो जगह है इसको बोलते हैं कुछ नाम था, पता नहीं, भूल गया मैं। खुसुरपुर ना, खुसुरपुर था कुछ नाम, भूल गया। और यहाँ पे ना चेन स्कैनिंग लाइक ऐसा जो ऐसा होता है ना, चार्जिंग लगाते हैं ऐसा साइड साइड में, लोग आके ऐसा छिंगे भी लेके जाते हैं। बहुत ऐसा केस हुआ है इसकी वजह से, हम तो चार्जिंग में तो चार्जिंग नहीं लगा लगाएगा।
पेशेंट हटो 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 आगे से आपसे बोल रहा हूं हाथ तू लगा पेशेंट का ये तेरे घूम रहे ए भाई अरे भाई पेशेंट है इधर पेशेंट है इधर तेरे को मालूम है हम कुछ बोले क्या बोले क्या करे झगड़ा मैंने नहीं वीडियो भी बना चुका है पैसा दे पैसा दे यहाँ पे लगाना यहाँ पे लगाना पूरा तोड़ दिया ना ठीक है ठीक है एक चीज गलती हो गया ऐसा हुआ कोई से ही समझा एक तो लेडीज को हाथ उठाया ऊपर को तेरे को पेशेंट नहीं दिख रहा पेशेंट नहीं दिख रहा बिना पूछे पहले मेरा सामान कहाँ था मैं बोलती थी मैं निकाल लेती थी समझा वो भी खा रहा था मैं कुछ नहीं खाते का तो भी बोलना पड़ेगा रास्ता कुछ बोलना चाहिए आदमी को तुमने चाहिए ना प्यार से बोलती ना मैं खुद ही मैं निकाल देती समझा पैसा देके जा टाटा का पेशेंट है इधर सुन हम लोग कब कब जाता है मालूम है हमारा इतना सा झगड़ा के लिए कितना बड़ा बड़ा इन लोगों का ऑपरेशन हो चुका है छह महीना ए साल बाद नहीं पैसा दो छुटाने का पैसा दो छुटाने का ये होता है क्या खून निकालने का होता है पैसा दो पूरा मेरे को मारा तूने पैसा दो छुटाने के लिए नहीं हम भी चुपचाप थोड़े देख रहा था कहीं नहीं है गलती किसकी है गलती दे रहा है एक मिनट वो मैं नहीं बोल रहा हूँ तेरे को देखना चाहिए ना लेडीज के साथ गलत हो रहा है इसलिए हम दोनों को छुड़ा रहे हैं नहीं लेडीज के साथ गलत हो रहा है पैसा इज्जत से मांग रही थी पैसा इज्जत से मांग रही थी मैं तू इधर से हटना नहीं तू उसको बुलाओ यार मैं इज्जत से पैसा मांग रही थी वो तेरा बात पढ़ो तू आए पूरा आशा से निकल निकल रहा वीडियो शीट सब यहीं पे हो रहा कोई दिक्कत नहीं है नहीं आगे से नहीं निकलेगा वीडियो से निकलेगा सामान नीचे गए दो दिन का सफर खड़ा हो गया आधा घंटा का सफर खड़ा होने के लिए उनका गाल में मिर्ची लग रहा था अरे आपने उसको मारा मेरा इधर लग गया सडनली रिएक्ट हुआ तो इधर उधर उसने बताया वो छुट्टिया लेके आया उसने बता रहा ठीक है जब वो ऐसा कर रहा था इन्होंने ऐसा जब किया तो उसका छुट्टी सर शायद इनको लगा ऐसा बोला उन्होंने मेरे को मारा मारा ना उन्होंने मारा मेरे को मारा ना सो एक्चुअली गाइस झगड़ा इतना बड़ा नहीं होना था क्योंकि यहाँ पे पूरा पेशेंट है टाटा का पेशेंट मेरे पापा यहाँ पे भी एक अंकल है तो यहाँ पे एक्चुअली बोला वो लोग झगड़ा करने टाइम को पेशेंट को भी लगा देन इतना बड़ा झगड़ा हो गया सोचा नहीं था इतना बड़ा भी हो जाएगा उनके और भी बड़ा हो सकना था लेकिन हो गया छोटा सा ही सामने बोला उनको बस वही था इनका तो पैसा नहीं था इनको तो थोड़ा चोट भी लग गया और इनका पाँव में भी लगा तो यही है गाइस ऐसा होता है ऐसा सफर में ना तो इसलिए हमेशा संभल के रहने का फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ भी केस हुआ कि ऐसा झगड़ा हुआ देखा ना मैंने ट्रेन में अजीब था बहुत ज़्यादा अजीब था बट अभी तो सिचुएशन सब ठीक हो गया तो सबको गुड मॉर्निंग अभी मैं अभी मैं गुवाहाटी पहुँचने वाला हूँ अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मेका का तेल डिपो और अभी यहीं से हम लोग जाएंगे घर की और एक्चुअली बोलने से यहीं पे उतार दिया यार मैं सोचा था रोइंग तक जाएगा रोइंग तक गया नहीं यहीं पे रख दिया लोग ने बस तो अभी फोन किया ऑटो को तो ऑटो आएगा उसके बाद हम लोग घर जाएगा सकते गाइस मेरे जूनू को मैंने बहुत मिस किया बहुत नानी को मैंने बहुत मिस किया फाइनली हम घर पहुंच गए जूनू माय बेबी जूनू देख सकते गाइस इसको बहुत ज्यादा मिस किया और मैं घर पहुंच चुका हूँ तो गाइस व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय।